तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ वापस। और गाइस पबजी तो हम हमेशा खेलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मैच हो जाते हैं जो कि हमेशा के लिए हमारे लिए यादगार बन जाते हैं। तो यार कुछ ऐसा ही इस मैच में होने वाला है जो कि भाई हमेशा के लिए मेरे लिए एक यादगार सीन बन चुका है। तो इस मैच को आप पूरा देखना और साथ ही साथ ये VSS का क्लच देख लो, यहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे नंबर 4 हो जाता है नॉक पर, उसको मैं बचा नहीं पाऊंगा यहाँ पे। पर जैसे तैसे 3 बंदे नॉक कर देता हूँ मैं, और इनका ये एक और बंदा रहता है, तो मुझे लगता है कि ये लास्ट बंदा है इनका, बट ऐसा होता नहीं है। ये बंदा भी नॉक होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे अभी 2 टीम है, तो मैंने 2 टीम के अलग अलग बंदे मारे हैं। तो मैं सोचता हूँ भाई यहाँ पे कि नंबर 2 को तो बचा ही लिया जाए, क्योंकि नंबर 2 तो अभी नॉक हुआ है, तो उसको शायद बचा सकते हैं, लेकिन मेरे पास गोलियाँ नहीं रहती यहाँ पे। पर दिक्कत ये होती है कि जब तक मैं गोली लेने की सोचता हूँ भाई, जब तक मैं इस बंदे के पास जाता हूँ गोली लेने की उठाता हूँ, तब तक वो उसको मार दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं लेट हो जाता हूँ, उसको नहीं बचा पाऊँगा, तो उसके लिए सॉरी गाइस। अब ऐसा मत बोलना यार कि भाई तू बचाता नहीं, मैं इस बार पक्का पूरा सोचा था कि बचाऊँगा, लेकिन बचा नहीं पाया। ठीक है, तो अब देखो बदला कैसे लेते हैं इनसे। तो इनका एक लास्ट बंदा बचा है जो कि राइट में है यहाँ पे। तो बाल बाल बचते हैं यहाँ पे, अब गोलियाँ नहीं है तो भाई गन वगैरह लूटना पड़ेगा यहाँ से। और अब देखो गाइस कैसे निपटाते हैं इसको भी। तो ये बंदा कर रहा था इसको रिवाइव अपने टीममेट को, तो इसको निपटा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक टीम तो निपट जाती है, पर इसको लूटने के बाद देखो क्या होता है। तो यहाँ पे राइट की तरफ से एक बोट दादा आ रहे होते हैं, तो मैं सोचता हूँ पहले इनको निपटा दिया जाए, पर जैसे ही मैं इनको निपटाने की सोचता हूँ, यहाँ पे एक बंदा जाता है जो कि मेरी किल चुरा लेगा। तो अब किल का गुस्सा तो वैसे ही भर गया है, और ऊपर से यहाँ पे खतरनाक सीन भी होने वाले हैं मेरे ऊपर। तो अब देखो कैसे खतरनाक तरीके से ये लोग मेरे ऊपर रस करेंगे और मर जाएंगे। तो एक बंदा नॉक कर देता हूँ और एक बंदा ऊपर से आता है, और यहाँ पे थोड़ा पीक का इशू हो जाता है मेरे साथ। एक बंदा और है ऊपर, उसको भी देखना पड़ेगा। तो बच्चा इनका लास्ट बंदा जो कि सामने से आ रहा है, तो देखो उसको भी कैसे निपटाते हैं। तो गाइस इसी के साथ 9 पर 9 तो ख़त्म हो जाता है पूरा। यहाँ पे अभी एक भी बंदे नहीं बचते, तो फटाफट इनको लूटते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे भाई। जब तक यार लाइक कर दो यार गाइस, अगर ये क्लच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो भाई। लाइक से ये होता है यार कि वीडियो थोड़ी रिकमेंडेड होती है, तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे इनका ड्रॉप रहता है, तो भाई फटाफट इन ड्रॉप को लूटते हैं। और यहाँ पे MK14 और ऑग मिल जाएगी मेरे को, तो ऑग तो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को M4 ज़्यादा पसंद है ऑग से। तो ऑग वगैरह लेके यहाँ से निकल जाते हैं, और यहाँ पे आप मिल्टा पावर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि मिल्टा पावर में हॉट ड्रॉप हुआ था, सबसे ज़्यादा बंदे वहीं जंप किए थे। तब देखो वहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे मिल जाता है एक्सटेंडेड मैक भाई, जिसकी बहुत देर से तलाश कर रहा था मैं नोवो में भी, पर नहीं मिलता, तो यहाँ मिल जाता है। तो गाइस इसको लेते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो भाई उन बंदों को पता चल जाता है जो कि जो यहाँ पे टीम रहती है कि यहाँ पे एक गाड़ी आई है, तो वो डायरेक्ट मैं ऊपर रश कर देते हैं। तो बाल बाल बचता हूँ यहाँ पे, एकदम से फायरिंग बटन में क्लिक नहीं होता मेरे ऊपर, और उनका पीछे एक और बंदा रहता है जो कि मेरे ऊपर फायरिंग करने लगता है, पर जैसे तैसे बच जाते हैं। तो भाई फटाफट हेल्थ वगैरह लगाते हैं, फिर उसको निपटाएंगे।
तो वो बंदा दरवाजे के पीछे रिवाइव कर रहा होता है। तो देखो मैं यहाँ से जब राउंड ले रहा होता तो उसकी गन दिख जाती कि जो यहाँ पे है तो बाहर दिख रही होती है। तो गाइस इनको निपटा देते हैं यहाँ से और भाई फटाफट लूट लाट के यहाँ से निकलेंगे। और गाइस अब मैं यहाँ इनको निपटाने के बाद यहाँ से निकलूँगा तो काफ़ी देर तक बंदे ढूंढता हूँ पर बंदे दिखते नहीं मेरे को। बहुत टाइम हो जाता है लेकिन बंदे दिखते नहीं। अब बंदे कहाँ पे दिखेंगे मेरे को लास्ट में, मतलब जब छोटा जोन हो जाएगा तब दिखेंगे। तो भाई उससे पहले यार सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि यार देखो जनवरी आ चुका है यार, सिर्फ 200 सब्सक्राइबर चाहिए है मेरे को 40,000 होने में। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार गाइस, ठीक है। तो मैं फाइनली इस ड्रॉप के पास आ जाता हूँ और यहाँ पे अब ये बहुत छोटा जोन हो चुका था और सिर्फ 9 बंदे बचे थे। तो देखो 9 बंदों को अकेले कैसे मारूंगा मैं। तो यहाँ पे एक बग्गी दिख जाती है मेरे को और फिर बंदा भी स्पॉट हो जाता है। तो इसको जैसे निपटाते हैं गाइस यहाँ से, और फिर जब मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ तो लेफ्ट की तरफ से यहाँ से गाड़ी आ रही होती है। तो बस अब देखो इसको इनको कैसे निपटाते हैं, यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। बंदे ही पे हैं बिल्कुल पास में। तो फाइनली इनको निपटा देते हैं, पर यहाँ पे अभी एक बंदा और है जो कि मेरे को यहाँ पे स्पॉट हो जाएगा लेटा हुआ। तो अब बची गाइस सिर्फ 2 टीम, और जो 2 टीम रहती है वो खतरनाक तरीके से उनसे फाइट होने वाली है। तो फटाफट यहाँ से लूटते हैं, और जॉन भी आ चुका था तो फिर निकलना पड़ेगा क्योंकि जॉन को काफ़ी ज़्यादा काट रहा है। तो इस जॉन से वैसे पहले तो बाल बाल बचूंगा मैं, बिल्कुल 2 HP में। तो यहाँ पे हेल्थ वगैरह लगाते हैं और फिर यहीं पे जस्ट सामने मेरे आगे बंदे रहते हैं, तो देखो उनको कैसे निपटाएंगे। तो गाइस जब मैं राइट की तरफ जा रहा होता हूँ क्योंकि राइट की तरफ फायरिंग हो रही होती है, पर मेरे को लेफ्ट से एक बंदा दिख जाता है जो कि काफ़ी दूर रहता है। तो गाइस अब बताओ यार इसको एक्यूरेट मतलब बिना हिले डोले कैसे उसको फायरिंग हो गई, मतलब इतनी दूर का। गाइस ये प्रॉन करने से होता है। अगर आप लोगों को ये ट्रिक सीखनी है तो भाई बस प्रॉन कर लिया करो और दूर के बंदों के स्प्रे किया करो, गारंटी बिना इसको हिले आप लोग उसको मार लोगे। तो भाई ऐसा हमेशा किया करो अगर दूर है कोई बंदा, तो बहुत सही चीज़ है। तो गाइस यहाँ पे अब काफ़ी बंदे रहते हैं, 5 बंदे बिल्कुल पास में ही हैं बिल्कुल मेरे, और मुझे पता तो नहीं रहता कि कहाँ पे हैं बंदे। तो मैं सोचता हूँ भाई कि ये सामने वाला जो छत है वहाँ जाया जाए, वहाँ से शायद थोड़ी ज़्यादा अच्छे से लोकेशन मिलेगी। बट जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक बंदे की फर्स्ट टाइप आने लगती है जो कि छत के ऊपर ही है, सांप बना हुआ है। तो देखो इसको कैसे निपटाएंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे दरवाज़ा खोल देता हूँ जिससे उसकी लोकेशन पता चल जाए कि वो लेफ्ट में कि राइट में। और फिर भाई MK14 तो अपना जादू कर ही देती है। और फिर मेरे को यहाँ पे एक बंदा और दिख जाता है जो कि लेफ्ट में है वो घरों के पास। तो मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे अब एक ही टीम बची है जिनसे मेरे को लड़ना है। तो थोड़ा टेंशन तो हो जाती है कि 3 बंदे हैं, लेकिन फिर जब फायरिंग होती तो पता चलता है कि यहाँ एक टीम नहीं है, 2 टीम है। तो जब ये AWM का शॉट पड़ता है तब मेरे को पता चलता है कि मेरे सामने भी जस्ट एक बंदा है जो कि AWM लिए हुआ है। तो वो बंदा तो एकदम से मेरे को स्पॉट हो जाता है यहाँ पे, पर उसके पास रहती AWM। तो वो बंदा भैया बिल्कुल कतई बिल्कुल हिलता डुलता नहीं कि सीधे मैं मुंडी दिखाऊं और वो पेल दे मेरे को। तो भाई उसके लिए हमें भी AWM लेना पड़ेगा। तो फटाफट AWM ले लेते हैं, फिर देखो सबको कैसे निपटाते हैं AWM से।
तो गाइस उससे पहले यार ये बंदा मेरे को इजी टारगेट लग रहा है, तो पहले इसको निपटा देते हैं। और इसका बंदा भी यहीं पे रहता पर वो अपनी लोकेशन नहीं दिखाता है बिल्कुल, तो इसको निपटा देते हैं पहले। और अब बस तो सिर्फ लास्ट बंदा, तो देखो इसको कैसे निपटाते हैं। तो गाइस इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना गाइस, एंड प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।